देखिए अब मैं क्या कहूं, मैं व्यक्तिगत विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजस्थान के अंदर आजादी के बाद सबसे बड़े नेता भैरव सिंह जी शेखावत हुए हैं, जो संजोग से उनके ताऊ जी लगते हैं, और जिसने शेखावत साहब के साथ 27 दिवालियां लगातार मनाई हो, 27 होली साथ देखी हो, अगर उनको वो नहीं जानते तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। इसको अप्रत्याशित नहीं कहना चाहिए, इसको प्रभु की कृपा कहना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सांगानेर में मेरे को कहा गया था, मैंने सांगानेर का नाम कभी नहीं लिया, मेरे से कहा गया कि आप सांगानेर में तैयारी कर गए, तो जो पत्रकार साथी मेरे को जानते हैं वो समझते हैं कि मेरे तैयारी करने का रंग और ढंग कुछ अलग है। तो तैयारी करते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, तो लोगों को प्यार होने लगा, लोगों को स्नेह होने लगा, और फिर जब वहां टिकट नहीं मिली तो भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु, हो सकता है पत्रकारिता ही करवाने का इरादा हो, लेकिन जब सिविल लाइन से घोषित हो गया तो मेरे को लगा कि भगवान ने मेरे को जड़ों से जोड़ने का काम किया है। इसका कारण है कि मैं सिविल लाइन क्षेत्र का ही मूलतः व्यक्ति हूं। 5 साल तक मैं भैरव सिंह जी शेखावत के घर रहा, फिर शास्त्री नगर के अंदर कई साल रहा, फिर निर्माण नगर सी के अंदर कई साल रहा, और घर भी बनाया तो निर्माण नगर सी के सामने ही बनाया, तो इसलिए मेरे लिए ये सारे इलाके अपने इलाके। मुद्दे 2-3 हैं। एक मुद्दा वो अहंकार बनाम जनता, पहला मुद्दा है अहंकार बनाम जनता। दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण, और तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी। इन 3 मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है, और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। हम सड़कों पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो दलाली लेकर के सड़कें बनी होंगी तो उसमें डामर के नीचे कचरा निकलेगा। अगर कोई विकास का काम की बात करेगा तो पता चलेगा कि उसके नीचे खोखलापन है। तो ये सब सामान्य चीजें हैं। अगर कोई कहे कि उसके टीबी है और खांसी नहीं आएगी, तो मूल जो है वो भ्रष्टाचार है, मूल जो है वो अहंकार है, मूल जो है वो यह है कि एक देश के अंदर नागरिकों से 2 तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है। चुनाव लड़ने का ही विषय नहीं आया, और बहुत सारे विषय आए, लेकिन मेरे सामने समस्या ये रही और मुख्य कारण ये रहा कि जिस पत्रकारिता के अंदर मैंने प्रवेश किया, उस पत्रकारिता से मैं कैसे अलग हो जाऊं, कैसे भरी जवानी के अंदर हम लोग वादा करते थे जनता से, कहते थे कि हम किसी भी हाल में सरकार से टक्कर लेते हुए भी जनता के साथ खड़े रहेंगे। पढ़ना मेरा अब भी जारी है। अब भी जारी का मतलब कई पुस्तकें तैयार पड़ी है, कुछ छपने के इंतजार में है, कुछ को पढ़ा जा रहा है। जैसे लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, पंडित नवल किशोर जी पत्रकारिता करने का काम किया, राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 3 चीजों से, हेलीकॉप्टर से, बस से और कार से या जीप से यात्राएं की है। इनकी एक एक की जन्म कुंडली जानता हूं, उसमें परिवहन घोटाला तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अपने राजेंद्र माथुर जी, जो हिंदी पत्रकारिता के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो जब जयपुर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हरेक को कोलतार से पोतने की आदत मत डालिए, तो जब चिट्ठे खोलने लगेंगे तो कौन सा नेता बचने वाला है। शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जब जनता का ज्वार आगे बढ़ेगा, जनता जाग चुकी होगी 2-3 दिन बाद और ज्यादा,
तो आप देखिएगा ये जो वोटों की ठेकेदारी ये सब पीछे रह जाएगी और केवल जनता की जय जयकार सुनाई देगी, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे बैठे हैं जो अखबार की स्थापना के पहले दिन से साथ हैं, मेरे में कितना मालिकपन है वो जानते हैं। मैं मतलब 18 घंटे 17 घंटे तक काम करने वाला कथित मालिक रहा हुआ हूं। और क्या प्रभु ने हमको इसलिए पैदा किया है कि हम इस रंग में रंग जाएं, या प्रभु ने इसलिए पैदा किया है कि हम इस धरती से विदा लें, तो भारत माता को यह हो कि हमारे मेरे करोड़ों बच्चों में एक यह भी शामिल था जिसका कोई स्वार्थ नहीं था। में पत्रकारों के असुरक्षा की कोई बात आएगी, जैसे मैंने ये सोचा है कि ये जो विधायक को फंड मिलते हैं इसके लिए कुछ परसेंटेज तय होती है, कुछ ये होता है कि मेरे को ये करना वो करना, इस तरह से करना उस तरह से करना। मेरे मन के अंदर विचार ये है कि उसके लिए एक समिति बनाएंगे अच्छे लोगों की और वही फैसला करेंगे जिसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। केवल मेरा नाम रहेगा कि हस्ताक्षर करने वाला ये है, लेकिन तय करने का काम वो कमेटी करेगी। इसी तरह से मैं ये भी हिसाब किताब लगाने वाला हूं कि मेरा जीवन यापन और घर का खर्च अगर इस सरकारी वेतन के अलावा संभव हो तो इसका कोई सदुपयोग किया जाए जो गरीब बच्चों के काम।